नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आजमगढ़ पुलिस ने 59 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 39 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई भी की गई है। आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के अंतर्गत अभियान चलाया गया। बीती रात्रि सभी के यहाँ दबिश दी गई। दबिश के दौरान आजमगढ़ पुलिस के द्वारा 59 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र से 32 तथा देहात क्षेत्र से 27 वारंटी मारपीट हत्या के प्रयास तथा विभिन्न मुकदमों में वांछित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 39 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई, जिसमें नगर क्षेत्र से 11 तथा देहात क्षेत्र से 28 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई। व्यापक अभियान चलाकर पूरे जनपद में सभी थानों पर 59 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें 32 लोग शहरी क्षेत्र से और 27 लोग ग्रामीण क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए। कुल 59 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। इसमें मारपीट के मुकदमे के 307 के, 308 के, 420 के मुकदमे वाले अभियुक्त हैं। वह विद्युत अधिनियम में कुछ लोग हैं जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसके अलावा 39 गिरफ्तारियाँ 151 में कल करी गई हैं, जिसमें 11 शहरी क्षेत्र में हैं और 28 ग्रामीण क्षेत्र में गिरफ्तारी करी गई हैं। टोटल 98 गिरफ्तारियाँ पुलिस के द्वारा कल करी गई हैं और ये लगातार पुलिस का अभियान जारी रहेगा। और जो भी अभियुक्त न्यायालय प्रस्तुत नहीं हो रहे, सभी गिरफ्तारी करी जाएगी, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनको जल्दी से जल्द दंड दिलाया जाएगा। सर, ये कब से फरार थे और किस तरीके के अपराधी हैं ये? ये आपको बताया, जैसे बहुत सारे 307 के अपराधी हैं, 308 मारपीट से संबंधित अपराधी हैं, कुछ लोग 420 के अपराधी हैं, इसमें 420 की धारा इसमें लगी है, कुछ लोग विद्युत अधिनियम की, जिन्होंने विद्युत चोरी करी है और लगातार कोर्ट में जाने से बच रहे थे, ये अपराधी हैं। पुलिस का लगातार अभियान चलता रहेगा, इनको गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जल्दी से जल्दी इनको सजा दिलाई जाएगी।